बच्चे बच्चे गांव में पढ़ाई करते हैं बच्चे? बच्चों को पढ़ाई जरूर कराना अंकल जी। देखो छोटी सी बात बोलूँगा आपको मैं, आपने जो दिन देखे हैं, आप तो चाहते नहीं आपके बच्चे दिन देखे हैं, अगर उन आपने उन बच्चों को पढ़ा लिया तो समझ लो आपकी आपने जो दिन देखे ना सब दूर हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बस बच्चों को पढ़ाना है आपने। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? यहाँ उदास के बैठे हो? उदास बैठे हैं क्या? सवारी के लिए ही बैठे हुए थे। सवारी रिक्शा चलाते हो? रिक्शा कहाँ है? अच्छा ये आपका रिक्शा है, सवारी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से कम निकल रही है ये तो है भैया। तो कितनी सवारी पकड़ी आज आपने? तीन चार सवारी पकड़ी, मतलब 100 रुपये कमाया बस। तो घर कैसे चलाते हो, इतने पैसे कम मिलते हैं तो? अब क्या करें जी, इसे चलता है, इसे चलाते हैं। मजबूरी, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से बीमारी, मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है आपको। हाँ सब्जी अब गुजारना ही पड़ेगा जनाब। सबके रेट भी बढ़ गए, सब्जियों के रेट भी बढ़ गए, फल फ्रूट के रेट बढ़ गए। भाई बढ़ा हुआ है। तो अभी रेंट पे रहते हो आप? हाँ। उसका किराया अलग बढ़ते हो? ये रेंट पे, ये रिक्शा उसमें ले रखा भाड़े पे? हाँ। कितना भाड़ा देते हो? बच्चे बच्चे गाँव में पढ़ाई करते हैं बच्चे? बच्चों को पढ़ाई जरूर कराना अंकल जी। देखो छोटी सी बात बोलूँगा आपको मैं, आपने जो दिन देखे हैं, आप तो चाहते नहीं आपके बच्चे दिन देखे हैं, अगर उन आपने उन बच्चों को पढ़ा लिया तो समझ लो आपकी आपने जो दिन देखे ना सब दूर हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बस बच्चों को पढ़ाना है आपने, ये मेरे से वादा करो आप। ऊपर वाले से वादा नहीं, मेरे से भी वादा करो आप। आपने बच्चों को पढ़ा दिया ना, उनका तो जीवन मस्त, उनका तो जीवन बढ़िया है ही, आपका जीवन भी और बढ़िया हो जाएगा। आप कहोगे मेरे ना सारे दुख खत्म हो गए, मेरे बच्चों ने मेरे को खुश कर दिया, इस काबिल बना देना बच्चों को आप। कितनी उम्र है बच्चों की? एक की 15 साल है। अच्छा, एक की जो है तो होगी। एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है। अच्छा, बच्चे की शादी भी कर दी, ये तो बढ़िया करा अंकल दिया आपने। बुढ़िया खुश है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या कितने बजे चलाना शुरू करते हो, कितने घंटे चलाते हो पूरे दिन में? सुबह दिखता है, मैं एक घंटा दो घंटा चला लेते हैं। अच्छा, अब 4 बजे करीब निकालते हैं तो 8 बजे तक चलाते हैं। सोते कितनी देर हो? 8-9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे करीब। अच्छा, तो कितने घंटे की नींद लेते पूरे दिन में? गर्मी रहती है, नींद ही नहीं आती, बहुत बार तो ऐसे जगते रह जाते हैं, कभी मच्छर काटने लग जाता है। मच्छर काटने लग जाते हैं, कभी टेंशन, कभी कुछ। दो तीन तीन चार घंटे सोते हो रात में भी? बस देखो अंकल जी, कभी ये तो फील करना मत कि भगवान ने आपको गरीब बनाया है, क्योंकि देखो हर एक इंसान को अलग चोला मिला है। किसी को बहुत ही गरीब बना दिया, किसी के पास तो आपके पास तो रिक्शा है, किसी के पास तो 5 रुपये भी नहीं है इस टाइम। अभी आपने देखा होगा कुछ यहाँ से वो चुंगते जा रहे थे बोतलें, उसके पूरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। तो ये कभी चिंता मत करना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है। आप कह रहे हो ना नींद नहीं आती, इतना परेशान रहता हूँ, भगवान ने हर एक इंसान के लिए सब कुछ बढ़िया किया है, सब कुछ बढ़िया किया। आपको देखो रिक्शा दे दिया, अगर वो कूड़ा चुंगने वाला कूड़ा भी चुंग रहा ना तो उसको कहीं ना कहीं पैसे मिल रहे हैं। मैं हूँ, मेरे से ऊपर बहुत अमीर है, उससे ऊपर बहुत अमीर है, उससे ऊपर बहुत अमीर है, तो सबके लिए अच्छा बनाया उन्होंने, मतलब कुछ आगे पीछे नहीं किया। तो जैसे आप सोच रहे हो, आप परेशान रहते हो, नींद नहीं आती, मत सोचो, आप बिल्कुल मस्त रहो, खुश रहो, तभी परिवार आपका खुश रहेगा आगे। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी? कौन कौन सी क्लास में है? एक तो 10वीं है। अच्छा, तो कोरोना कोरोना से और लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ गया आपके काम काज पे। लॉकडाउन से पहले कितना कमाते थे रोज का? 300 रुपये कमा लेते। आप 100 रुपये कमा रहे हो, कुछ दिन की बात है अंकल, ये भी ठीक हो जाएगा। क्या नाम अंकल आपका? जवाहर। ठीक है, और घर में यहाँ पे जो रेंट पे रहते हैं, यहाँ पे घर का है आपका? यहाँ पे यहाँ ही रहते हैं। खाना और रोड पहाड़ करने दिल्ली बचपन, खाना आप ही बनाते हो? हाँ। अच्छा, अब तो ये आटा चीनी इनकी भी दाल रेट बढ़ गए हैं।
तो मतलब पूरा हो जाता है महीने का खाना पीना निकल जाता है या फिर दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा? कोई बार दिक्कत आती है तो ले आते हैं वहाँ गुरुद्वारे से खाना। अच्छा, दिक्कत आती है जब पैसे नहीं होते तो गुरुद्वारे में खा लेते हो? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, गुरुद्वारे में लाखों लोगों का खाना बनता ही है तो बहुत बढ़िया बात है। अभी घर निकलोगे? काम हो गया? मतलब जितना जितनी सवारी है उतने में खुश हो आप? अभी तो अच्छा ही खुश रहना पड़ेगा। मैं यही आपको बात मैंने आपके मुंह से ये निकलवाना ही मैंने आपके मुंह से ये था कि खुश रहो अंकल आप, चाहे सवारी आए एक चाहे आए दो, चिंता मत करो। आपने क्या बोला कि बाबा जी का दरबार है वहाँ पे खाना हो जाता है, इसका मतलब आप खाली पेट नहीं बैठे। हमारे हिंदुस्तान में ना भूखा पेट कोई नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं है सेवा का सब कुछ चालू है। तो अभी मैं आपको एक काम करता हूँ अंकल, आटा चीनी दाल और अपना ये चावल ये ला के दे देता हूँ। अपना आपका एक डेढ़ महीना दो महीने आराम से निकल जाएंगे और बस 5 या 10 मिनट का वेट करो बस आप, रिक्शे पे बैठ जाओ। ये लो अंकल जी, उधर आ जाओ, अब यहाँ आगे आ जाओ आप। इसमें आटा चीनी दाल सब कुछ है, डेढ़ दो महीने आराम से निकल जाएंगे आपके। और एक ही बात बोलूँगा अंकल, थोड़ा समय खराब चल रहा है, सही हो जाएगा, कुछ दिन की बात है बस, सब कुछ ठीक हो जाएगा अंकल। चिंता मत, बिल्कुल मत चिंता करो आप। आज आप ना कम से कम 4 घंटे नहीं 8 घंटे सोना, ठीक है? चलो ठीक है अंकल जी। ठीक है भैया।